हमारा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा सभी को जय यीशु की। हम सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का यह वचन सुनने का हमें एक अवसर प्रदान किया है। आज के पवित्र वचनों में संत पेत्रुस के प्रवचन और इमामोस जाने वाले दो शिष्यों की आपस में यीशु क्रिस्त के दुख भोग और महिमा में पुनरुत्थान के विषय में बातचीत का जिक्र है। रास्ते में इमामोस जा रहे शिष्यों के साथ यीशु चलते हैं, लेकिन वे यीशु को नहीं पहचान पाते हैं कि उनके साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है। हमारे जीवन की कई यात्राएं हमारे लिए उस इमाउस यात्रा की तरह हो सकती है, जहां प्रभु हमारे साथ होते हैं और उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हर मिस्सा बलिदान का स्थल इमाउस की ओर जाने का स्थल हो सकता है, जहाँ हम यीशु के संयुक्त होकर उनके शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम रास्ता चलते वक्त, काम करते समय या गाड़ी चलाते समय यीशु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं? ये हमें जानना है। तो आइए आज के मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के वचनों को हम ग्रहण करें और प्रभु को अपने जीवन में पहचाने और उसके नाम को लेके हम आगे बढ़ें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहायता आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। कृपया प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु हमें प्रभु के वचन द्वारा अच्छी तरह से तैयारी करके इस रोटी तोड़ने का इस बड़ी घटना के लिए हमें आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उसी घटना द्वारा जो दो शिष्य लोग एमाउस जा रहे थे वो प्रभु को पहचाना। हमारे जीवन में भी हम बहुत बार प्रभु को स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, लेकिन हमारे जीवन में वो अनुभव अभी तक शायद नहीं मिलते होंगे। जो जिनको नहीं मिला है, प्रभु की ओर से एक निमंत्रण है, एक प्रकार की बात हमें समझाना चाहते हैं कि हमें वो अनुभव इसलिए नहीं मिला है कि हम योग रीति से प्रभु को तैयारी के साथ स्वागत नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है। शिष्यों के साथ प्रभु यीशु बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन वो पहचाना नहीं, क्योंकि उनमें तैयारी नहीं था प्रभु को स्वीकार करने के लिए। जब प्रभु यीशु उन्हें धर्म ग्रंथ के मर्म समझाया, उन मर्म द्वारा वो प्रभु को अनुभव करने के लिए योग्य बन गए। हम भी आज विशेष रूप से प्रभु को वचन के मर्म को हर बात पर, हर समय पर समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार अपने आप को तैयारी करें, ताकि हम रोटी के तोड़ने के उस महाघटना में हम प्रभु को पहचान सकें और उसके अनुसार प्रभु को स्वीकार कर सकें, प्रभु को अपना सकें और प्रभु का अनुभव करके उसके अनुसार जीवन बिता कर प्रभु के उस आनंद में, पुनर्जीवित प्रभु के उस खुशी में हम भी भाग्य बने और उनके प्रभु के साथ हम जीवन बिताएं। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे पूरे विश्व के और विशेषकर हमारे देश के और विशेषकर हमारे इस आगरा के सब कोरोना वायरस बीमारी से, महा बीमारी में पड़े सब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें
उनकी सेवा करने डॉक्टर्स नर्सेस अस्पताल के सर कर्मचारियों पुलिसकर्मियों हमारे सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सब हमारे नेताओं की प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें आशीष दे, बीमार चंगा हो सके, सेवा करने वालों को धैर्य और आनंद के साथ सच्ची सेवा कर सकें और जो सरकारी लोग अपने गरीबों पर जो कि गरीबों पर तरसाएं और सही कदम उठा सके उनके लिए और एक प्रकार की उन्हें इस अवस्था में अवस्था से उभारने के लिए एक कदम उठाने में मदद कर सके। आइए हम सब बलिदान में हम योग रीति से भाग लें। हम सब मिलकर बोले हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेला हृदय मेरा तब धुल गया। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मेला हृदय मेरा तब धुल गया। अनने विनय करते हुए ईश्वर से तुम्हारी दया। महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में हो सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो 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 हो, महिमा हो हो हो, महिमा हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। महिमा हो तेरी
महिमा हो पिता, जिसे हमारी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक वसंत से हमारा हृदय सदा लहलहाते रहे। हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि तेरी दया से हमें तेरे पुत्र पुत्रियों का गौरव फिर प्राप्त हो गया है। यह कृपा दे कि हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोते रहे। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 2, वाक्यांश 14-22-28। पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इसराइली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। ये असंभव था कि वे मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है, तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। आपका भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। हे प्रभु तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। मैं अपने परामर्शदाता को धन्य कहूँगा, मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु हमें जीवन का मार्ग दिखा। दूसरा पाठ,
संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय एक पद संख्या 17 से 21। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं तो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। तो जब तक आप यहाँ पर देश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कीजिए, हमारे हृदय उद्दीप्त कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु के दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए इम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर था। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ चलने लगे, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लयोफस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इसराइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौट कर कहा कि हमें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमति हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, यह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया।
किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सन 2015 अप्रैल 25 यानी कल का दिन नेपाल में एक भारी भूकंप हुआ जिसके कारण लगभग 8,800 लोग मारे गए। इस घटना हम भलीभांति जानते हैं और बहुत सारे लोग भयभीत और डरे हुए थे, लेकिन हमारे और उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सन 2016 में सीरिया में चल रहे युद्ध के कारण लगभग 3,00,000 लोग मारे गए और सन 2017 में भी पूर्व अफ्रीका के कई जगहों में भुखमरी के कारण हजारों लोग मारे गए। इन घटनाओं से भी लोग ईश्वर की दया और उसकी अनुकंपा की ओर आकर्षित नहीं हुए और नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर पहली बार नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित हुआ और सैकड़ों लोग इस वायरस के कारण मारे गए। हम इस महामारी से भलीभांति परिचित है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचे कि आज हम भी इस वायरस के कारण अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। प्यारे भाई और बहनों, इन सब घटनाओं से हम किस प्रकार प्रभावित हैं? क्या इन घटनाएं हमें प्रभु ईश्वर की दया और उनकी क्षमा की ओर आकर्षित करती है? प्रभु ईश्वर इन सब घटनाओं के द्वारा हम सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तथा हमारे जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। हम हमारे पापों और गलतियों के कारण और सांसारिक चीजों में हमारे लगाव के कारण प्रभु यीशु से दूर हो गए हैं और अंधकार जीवन में जी रहे हैं। आज प्रभु यीशु जो संसार की ज्योति है, हमारे जीवन की अंधकार को दूर करना चाहते हैं और अपनी कोमल ज्योति से भरना चाहते हैं। इसी बात को हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम इम्माऊस जाने वाले दो शिष्यों के बारे में सुनते हैं। उन शिष्यों ने अपने जीवन में अंधकार का अनुभव किया। वे भयभीत थे कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वे उनके साथ अब नहीं हैं। वे व्याकुल हो गए थे क्योंकि कई ऐसी बातें सुनने में आ रही थी जो उनको उलझन में डाल रही थी। वे शायद यह सोच रहे थे कि प्रभु यीशु एक महान राजा या नेता होंगे और एक इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित करेंगे जिसमें शिष्य महत्वपूर्ण पदों पर उपविष्ट होंगे, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ ये सब सपने टूट गए और वे निराशा के दलदल में फंस गए। यही उनके जीवन का अंधकार था। प्रभु यीशु
जो अपने को संसार की ज्योति कहते हैं, जब तक शिष्यों के साथ रहे तब तक अंधकार उनके जीवन से दूर था। बाइबल कहती है कि प्रभु येसु को पहचानने के बाद शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे। प्रभु येसु का वचन ही उनके लिए एक दीपक के समान था, जिसके जरिए उनके हृदय उद्दीप्त हो रहे थे। प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन को तेजोमय बना सकती थी। इसी कारण वे प्रभु येसु से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु उनके जीवन में आकर अंधेरा को मिटाकर ज्योति प्रदान करने के लिए उनके साथ रुक जाए। हमने अभी जो कुछ भी देखा ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। अगर हम वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमें यह जरूर महसूस होगा कि हमारे जीवन में भी एक ऐसा हिस्सा है जहां अंधकार व्याप्त है। हमारे हृदय में अगर प्रभु येसु विराजमान है तो वहां पर व्याकुलता, भय तथा निराशा रूपी अंधकार के लिए जगह नहीं रहेगा। जाने अनजाने हम कई दफा हमारे जीवन में अंधकार को जगह देते हैं। हमें भी उन शिष्यों के समान प्रभु येसु से विनती करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे दिल के अंधकार को मिटाएं और दे दीप्यमान बनाएं। इस युक्रिस्ती समारोह में भी प्रभु येसु हमारे लिए वह रोटी तोड़ते हैं और अपने वचन के प्रकाश से हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम दिल खोलकर उस जीवित येसु को, उस प्रभु की ज्योति को ग्रहण करें, प्रभु येसु को पहचाने और हम सब सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रभु पुनर्जीत प्रभु येसु पर, जो रोटी तोड़ते समय शिष्यों को अनुभव हुआ था, उस प्रभु पर, पिता पर, पवित्र आत्मा पर हमारे विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुआरी मरियम से जन्म में, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, मृतकों में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, भाइयों बहनों, अपने गांव लौट रहे शिष्य बहुत दुखी और उदास थे, लेकिन येसु की उपस्थिति और उनके साथ बातचीत ने उनको सांत्वना दी। जब वह रोटी तोड़ते हैं तब वे उन्हें पहचान लेते हैं। हम पिता यीशु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों एवं याजकों के लिए कि वे पवित्र संस्कारों को, विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट संस्कार को भक्ति भाव से संपन्न करें, ताकि सभी क्रिस्तीय उसमें भाग लेकर आशीष पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए कि वे पवित्र बाइबल को पढ़ें, उसके महत्व को समझें
और उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए जो अप्रत्याशित घटनाओं जैसे किसी निकट संबंधी की मृत्यु, पति या पत्नी का एक दूसरे से अलग होने या बच्चों के गलत रास्ते में चलने से उदास या दुखी हैं, ईश्वर उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दे ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सकें और उनके उद्धार के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे निचनीत वेद प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम हमारे पल्ले के सभी बीमार व्यक्तियों के लिए जैसे मिस्टर मोता, मिसेस मंडल, मिसेस सिसिलिया, मिसेस तेस्यामा, मिसेस सेंड्रेला, बेबी जॉय और अमृता, अभी और भी जो जितने भी लोग बीमार हैं जो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए होंगे, उन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष करके इस प्रेजेंट सिचुएशन को, इस अवस्था को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और इस सब देख हमारे मन परिवर्तन के प्रभु की कृपा आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। विशेषकर हमारे गरीब लोगों को इस वक्त जो यातनाएं सह रहे हैं, भूख प्यास की प्यास को महसूस कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो अपने शिष्यों की सहायता करने के लिए उनके पास आए थे। शिष्य उनकी मृत्यु पर दुखी थे और शोक मना रहे थे, लेकिन उनके पुनरुत्थान और दर्शन ने उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। हमें यह अनुग्रह दे कि हम भी अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा, मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। गेहूं की रोटी, दाख रस का प्याला, इनके संग लाया मैं भगवन। तेरा दिया हुआ ये सारा धन, स्वीकार ले प्रभु इनको, कर दे इन सबको आज पावन। रोटी वा दाख रस की भांति दिव्य संस्कार बना दे मुझे भी। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पद समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु उपहार कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ चढ़ाती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर प्रदान किया है, हम परलोक में भी वह यह आनंद प्राप्त करें। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त पास्का हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते, अविश्वासियों के स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसे पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर ईश्वर के राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से में बचा और इस जीवन में कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारे मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तो देखता प्रदान कर। तू युग जीता रहे तो राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने संसार के पाप कर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है हमें शांति प्रदान कर। हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर तथा रक्त के साथ संग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करें। ये प्रभु यीशु मसीह में तेरा शरीर तथा रक्त प्रदान करने वाला, ये मेरे विचार दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए तेरे शब्द दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ईश्वर मेरे प्रभु मुझ में वास करने प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मुझ में वास करने प्रभु। आजा प्रभु दिल में मेरे पावन मुझे दे प्रभु, आजा प्रभु दिल में मेरे पावन मुझे कर दे प्रभु। मेरे ईश्वर मेरे प्रभु मुझ में वास करने प्रभु।
सेंट पैट्रिक हमारे पल्ले के मध्यस्थ के मध्यस्थ से हम प्रार्थना करेंगे। हे अति महिमा मई सेंट पैट्रिक हमारे पल्ले के संरक्षक संत, हमारी प्रत्येक आत्मिक और सांसारिक आवश्यकता को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करा। तेरे संरक्षण और मध्यस्थता के द्वारा हम अपने विश्वास में सुदृढ़ बने, जिसकी तूने अपने जीवन में यत्न पूर्वक घोषणा की थी। हमारे पल्ले के हर परिवार की रक्षा एवं मार्गदर्शन कर, ताकि हम हर प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक खतरों से सुरक्षित रहे और अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सके। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरे नाम पवित्र किया जावे, तेरे राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तुस्ति योम धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदि में थी अब हर अनंत काल तक। आमीन। कोरोना वायरस सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए और पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम तमाम चिकित्सकों वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, इससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सके। यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब दृष्टि डाल, तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले कृष्ण के योग्य साक्षी बने। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।